हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत हम आज डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर, ठीक है ना। तो अपना जो है स्थिर वैद्युत की, जो अपना चैप्टर रनिंग में है स्थिर वैद्युत की, उसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इन बातों पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो देख रहे हो विद्युत क्षेत्र सबसे पहला जो टॉपिक है वो ले रहे हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इंग्लिश में जो कह सकते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो देखो बच्चों, कोई चार्ज है, कोई आवेश है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, विद्युत क्षेत्र जनरेट होता है, विद्युत क्षेत्र बनता है। अब उस विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर किसी हम परीक्षण आवेश को लेकर आते हैं, तो परीक्षण आवेश क्या करता है, एक विद्युत बल का अनुभव करता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं विद्युत। उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। कि इसको बनाए डिफाइन कर सकते हैं, कुछ खास इंपोर्टेंट टॉपिक है नहीं बोर्ड की दृष्टि से, कुछ ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक नहीं है, फिर भी देख सकते हैं क्या किसी आवेश के चारों ओर, किसी आवेश के चारों ओर का, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश लगाने पर परीक्षण आवेश को लाने पर जिसमें किसी परीक्षण आवेश को लाने पर परीक्षण आवेश उस आवेश के कारण प्रथम वाले आवेश के कारण इस आवेश के कारण उस आवेश के कारण आवेश के कारण कारण विद्युत बल का अनुभव करता है। विद्युत बल का अनुभव करे तब उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है भाई। तब उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत क्षेत्र बच्चों कहते हैं। क्लियर होगी बात? चलो आप लोग हम आगे में चर्चा करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट टॉपिक क्या ले रहे हैं लोग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक इंपोर्टेंट टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। टॉपिक का नाम है भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको हम लिखेंगे ई वेक्टर,
डिनोट करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये है भाई टॉपिक का नाम। ठीक है, तो अब हम इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे क्या परिभाषित करते हैं वो अपन देखेंगे। क्या है इसको अपन कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसको अपन ऐसे डिफाइन करेंगे बच्चों, विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक परिसंध द्रव्य को, किसी एकांक परिसंध धनावेश पर, धनावेश पर लगने वाला प्रतिबल, लगने वाला विद्युत बल, लगने वाला विद्युत बल विद्युत बल विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। विद्युत क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, बराबर होता है। ऐसा मैंने देखा भी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, अर्थात कहने सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर इतना हो जाएगा F on Q। ठीक है भाई, इस प्रकार से वेयर क्यू नोट क्या है बहुत छोटा है, इसको कई किताबों में ऐसे भी लिखा होता है, इस टाइप का लिखा होता है, देखेंगे लोग कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसमें हम कह सकते हैं कि ये जो परीक्षण आवेश है ये इतना छोटा होना चाहिए जिससे कि जिस आवेश के कारण हम विद्युत क्षेत्र की स्टडी कर रहे हैं वो परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि E वेक्टर बराबर लिमिट क्यू नॉट टेंस टू कितना होना चाहिए, इसके लगभग जीरो होनी चाहिए, ये हो जाएगा एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। ठीक है भाई, तो ऐसा भी इन तावन का मिल जाता है, इसका मतलब ये है कि क्यू नॉट क्या है तो बहुत छोटा है। ठीक है ना, इसलिए छोटा लेते हैं कि जिस आवेश की स्टडी कर रहे हैं लोग, आवेश का विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं उसका विद्युत क्षेत्र परिवर्तित ना हो। ठीक है ना, तो ये है विद्युत क्षेत्र ए डेफिनेशन, जनरली हम इसको ए लिखेंगे ई बराबर एफ ऑन क्यू नॉट। अब हम बात कर रहे हैं कि ए जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या है बच्चों, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसको लिखेंगे हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है बच्चों? सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जिसकी दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। ठीक है भाई, एक मैंने देखा कि एक क्या है सदिश राशि जिसकी दिशा बताते हैं धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। और बच्चों अपन आगे चर्चा करते हैं, नेक्स्ट हम आगे चर्चा करते हैं भाई कि जो था E बराबर F upon Q naught, तो यहां से इसके मात्रक की बात करेंगे। मात्रक क्या होगा? ठीक है बच्चों, इसका मात्रक, इसका मात्रक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बच्चों क्या हो जाएगा? तो ये हम देख रहे हैं कि मात्रक के अंतर्गत लेंगे, इसका मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन अपॉन ये हो जाएगा कूलम, आवेश मात्रक। तो कूलम का समान सिंबल परम है n, तो इसे लिख सकते हैं मात्रक। ठीक है, अब आप अगर इसके विभाग की बात करें तो विभिन्न सूत्र क्या हो जाएगा? डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा देखते हैं हम लोग कि e का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा इस प्रकार से, a a को बोलते हैं लोग m1 t की पावर माइनस कर दो और ये हो जाएगा a1 t। ऐसे करते क्या हो जाएगा बच्चों? a1 t1 जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली e का डायमेंशन फॉर्मूला क्या जाएगा अपने पास? ये जाएगा भाई कि e का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया अपने पास फाइनली m की पावर 1 n की पावर 1 t की पावर माइनस का 3 और k की पावर माइनस का। ठीक है, ये अपन ने लिखा ऐसे, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला। यहां तक बात समझ आ गई? अब आपको रेट हम आगे चर्चा करते हैं, नेक्स्ट आगे हम नेक्स्ट क्या चर्चा कर रहे हैं कि बच्चों इस पर आधारित अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक कि देखो इस फॉर्मूले से कोई बात नहीं पता चलती है कि सपोज कर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेंगे हम लोग कैपिटल E, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब यहां से हम चर्चा करते हैं कि यहां पर कोई चार्ज रखा हुआ है क्यू, तो बच्चों चार्ज क्यू रखा हुआ है उस पर क्या लगता है? इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। ठीक है ना, एफ तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है कितना लगेगा कि हमें पता है E बराबर होता है एफ अपॉन क्यू नॉट, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा देख रहे दी हाँ कि आवेश पर विद्युत बल विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश का आवेश पर लगने वाला विद्युत बल लगने वाला विद्युत बल क्यों हो जाएगा F बराबर क्यू ई, ये हमें याद रखना है। ये जो फॉर्मूला है एक बहुत ही काम आने वाला फॉर्मूला है बल का, जिसको अपन ये कहते हैं
कि 1000 बार काम आने वाला शॉट, 1000 बार काम आने वाला फॉर्मूला या सूत्र हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब 1000 बार नहीं, एक्जेक्ट 1000 बार ही काम है, मतलब मैंने जनरल आइडिया दिया कि कितना इंपॉर्टेंट है, कितना अपने को काम आता है, इसका हमने एक आइडिया दिया है। ठीक है, अब जो इस फॉर्मूले पर आधारित अपन एक क्वेश्चन करते हैं। कैसे ये क्वेश्चन करते हैं, देखो कि हम एक क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि सपोज करें कि कोई फ्रिक्शनलेस सर्विस है, फ्रिक्शनलेस सर्विस, ठीक है, इस फ्रिक्शनलेस सर्विस पर एक तो दुर्घटना हुआ है, एक ब्लॉक एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मास हम मान लेता हूं एम है और इसका चार्ज है इस पर जो चार्ज है उसको कितना है, इस पर चार्ज मान लेता हूं मैं क्यू चार्ज है रखा है और कितना रखा हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे का तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है कितनी E, कैपिटल E के विद्युत क्षेत्र में इसको रखा गया है, तब इसके मान में ज्ञात करते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये कैपिटल Q आगे से आगे कर दो क्वेश्चन में ले लेता हूं, एक कैपिटल Q आगे से आवेश से आवेशित कण को आवेशित कण को कैपिटल डी की बता दी, कैपिटल डी तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। ठीक है ना, रखा गया है एक फ्रिक्शन है, तो कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं लग रहा है, तब इनकी मान जाती है, रखा गया है तब निम्न के मान ज्ञात किए, ज्ञात किए निम्न के मान ज्ञात किए, कौन कौन से मान ज्ञात करने हैं बच्चों, ये देख रहे हो कि केवल क्यों आप इसमें आप कण को क्या पार्टिकल है ब्लॉक लिखते हैं, कण के बजाय लिखते हैं बच्चों ब्लॉक में ज्यादा ठीक है, आवेशित ब्लॉक, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र का ज्ञात मान ज्ञात कीजिए, पहला पार्ट है कि विद्युत बल, दूसरा भाग है त्वरण, तीसरा पार्ट है टी समय पश्चात पांचवा पार्ट है टी समय पश्चात गति ऊर्जा, पांचवा पार्ट टी समय में तय की गई दो ए है में देखी गई। तो बच्चों ये बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट है, उनका आंसर मैं ना तुम्हारे को इसी में लिख करवाता हूँ कैसे क्या करना है हम लोगों को, तो इसमें हम देता ही कैसे क्या देते हैं, ये मैंने जनरल फॉर्मूला रखा पहला कि विद्युत बल निकालना है, विद्युत बल
कि विद्युत बल के बारे में मालूम है, क्या मालूम है? विद्युत बल F बराबर होता है, F बराबर Q E, F बराबर Q E, Q कितना है मीटर और E, ठीक है, E बल लगेगा, इधर धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋणावेश है तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है बल। नेक्स्ट देख रहे हैं दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट क्या है बच्चों, ये है विद्युत बल के बाद त्वरण। नेक्स्ट क्या ले रहे हैं लोग, त्वरण, त्वरण कितना हो जाएगा भाई, त्वरण हो जाएगा ए बराबर एफ ऑन एम, ठीक है, तो एफ की वैल्यू पढ़ते हैं त्वरण कितना आ जाएगा, इंप्लाइड है त्वरण ए बराबर हो जाएगा क्यू ई अपॉन एम, ऐसा त्वरण ए बराबर हो जाएगा क्यू ई अपॉन एम हो गया। और देख रहे बच्चों टी समय पश्चात वेग, ठीक है, अब टी समय पश्चात वेग में क्या लेंगे हम, गति की प्रथम समीकरण से जो हमारे लेवल क्या था पढ़ते हैं मंडाई में मोशन में, गति की प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण से क्या है, ये है v बराबर u प्लस a, ऐसे गति की प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस a हो गया, इसमें मेल को कर देंगे v बराबर 0 प्लस a, a की वैल्यू कितनी थी भी q e अपॉन m इनटू t, तो v बराबर फाइनली कितना जाएगा, ये रहेगा q e अपॉन m इनटू t, ऐसे यहां तक बात समझ आ गई। आप दैट नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं गति की प्रथम समीकरण से, इतना लिख दिया है लोगों ने, तो अब आगे हमें पता है कि वेग आ गया, तो चौथा पार्ट क्या है भाई, टी समय पश्चात गति दिशा, टी समय पश्चात कण की गति दिशा, गतिज ऊर्जा, ए है बच्चों ई बराबर हाफ एम ई स्क्वायर, ई बराबर कितना होता है हाफ एम बी स्क्वायर, क्लियर हो गई बात, हाफ एम बी स्क्वायर, तो आप इसको देखें हम क्या कि ई बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर कर दिया जाए इसका क्यू अपॉन ई क्यू ई अपॉन एम इंटू टी का स्क्वायर, ए एम से एम कट जाएगा तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, भी ई की वैल्यू हो जाएगी हाफ क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एम, क्लियर हुई बात, ऐसे करके मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया भाई। अब हमें लास्ट पार्ट में बोला जा रहा है कि टी समय में कण द्वारा तय की दूरी कितनी होगी, तो टी समय में कण द्वारा तय की कितनी दूरी होगी वो देख लेते हैं कि टी समय में, टी समय में कण द्वारा तय की गई गई दूरी के लिए, दूरी के लिए क्या लिख सकते हैं लोग, एस बराबर यूटी प्लस आरबीटी स्क्वायर, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ये होता है, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे लोग कि एस बराबर यू तो जीरो है बच्चों, ठीक है, प्लस हाफ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्यू ई अपॉन एम इनटू टी स्क्वायर, तो एस बराबर कितना रहेगा, ये रहेगा हाफ क्यू ई अपॉन एम इनटू टी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। हाँ अपन ने इसे प्रीवियस है वो पार्ट में, इसे प्रीवियस पार्ट में क्या कहा था, गति ऊर्जा, गति ऊर्जा बच्चों क्या होगी, गति ऊर्जा अपन ऐसे देख सकते हैं, गति ऊर्जा बराबर v
दूसरे तरीके से भी निकाल सकते, गतिज ऊर्जा बराबर, गतिज ऊर्जा बराबर तो क्या हो जाता, गतिज ऊर्जा बराबर हो जाता विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया था, विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया था। ठीक है, तो कितना हो जाएगा E बराबर F इंटू एस, F की वैल्यू हम मालूम है कितनी है, क्यू की और एस की वैल्यू हमको पता ही है, हाफ टू ई अपॉन एम अपॉन टी स्क्वायर, तभी वही आंसर आता। ठीक है ना, तो ये बना देगा भाई एक क्वेश्चन, फिर आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं, कैसे कि कोई एक ऊर्ध्वाधर विद्युत क्षेत्र है, एक ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या है विद्युत क्षेत्र है, उसको हम ऐसे बना देते हैं, एक ऊर्ध्वाधर दिशा में विद्युत क्षेत्र है उसको हम ए बनाते हैं। ठीक है, यूं करके विद्युत क्षेत्र बना रहे हैं, ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, और भी बनाना है तो बना सकते हैं, ये विद्युत क्षेत्र है, कितनी है इसकी तीव्रता वगैरह, इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है भाई कैपिटल ई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है कैपिटल ई है, और इसमें एक मास जो है एक द्रव्यमान त्वरण है, एक एम द्रव्यमान त्वरण बच्चों साम्य में, साम्य में है मतलब कि नीचे नहीं गिर रहा है, जनरली ग्रेविटेशन फोर्स के वजह से नीचे गिर जाएगा पर नीचे नहीं गिर रहा है, और इस पर क्यू कितना है, इस पर है क्यू बराबर स्मॉल क्यू। तो हमें एक क्वेश्चन दिया है कि यदि एक आवेशित का एक स्मॉल एम द्रव्यमान आवेश, यदि एक स्मॉल एम द्रव्यमान का आवेशित का आवेशित कण कैपिटल ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में साम्य में संतुलन में तब कण पर आवेश का मान क्या, आवेश का मान ज्ञात। ठीक है बच्चों, आवेश का मान ज्ञात करना है, देखो एक्चुअल में इस पर नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा और इसमें एम ई, और ऊपर की ओर क्या लगेगा क्यू ई, तो साम्य में कह सकते हैं लोग संतुलन में या संतुलन की स्थिति में कह सकते हैं, वो लिख सकते हैं क्यू ई बराबर एम ई, क्या लिख सकते हैं बच्चों क्यू ई बराबर एम ई लिख सकते, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, यहां से क्यू बराबर हो जाएगा एम ई अपॉन ई। ठीक है, ये हमने देखा, क्लियर हो गई बात, तो ऐसे हमने दिया। हाँ, अब इस क्वेश्चन में बच्चों ये जरूरी है कि हमें केवल क्या कि क्यू पूछा जाए, हो सकता है क्यू दिया जाता तो हमें द्रव्यमान पूछ लिया जाता, और द्रव्यमान पूछ लिया जाता, ठीक है ना, क्यू और द्रव्यमान दे दिया क्यू दे दिया तो बच्चों को क्या पूछ लिया जाता, द्रव्यमान दे दिया क्यों दे दिया, तो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाती, इस प्रकार के बच्चे इस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ये मानो बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए, अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्या बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना, साथ में टॉपिक अभी लगा देता हूं, इसको हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्या विद्युत बिंदु आवेश के कारण बिंदु
आर एस के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बदलता है, के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बदलता है, तीव्रता ही बदलता है। टॉपिक वन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, तो आज की इतना ही सफिशिएंट, बाकी बातें लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।